अलहदुल्ला अल्लाकुल्लिहा अल्लाह ताला हमें जिस हाल में रखे उस हार में अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अल्लाह ने हम पे बड़ा एहसान किया कि हम पे मुसलमान बनाया इंसान बनाया और हिदायत हमें दे दी और हमें तोफीक दी कि हम उसका नाम ले और ऐसी महफिलों का हिस्सा बने जिसमें उसका नाम लिया जाता है इससे बड़ी दौलत मेरे लिहाज से किसी इंसान के लिए नहीं है हम सब जो यहाँ बैठे हुए हैं इस वक्त सबसे मालदार लोग हैं बहुत से लोग मुख्तलिफ काम कर रहे होंगे कुछ अपने घर के कामों में मसरूफ होंगे कुछ दुनिया के कामों में मसरूफ होंगे बहुत सी चीजें और बहुत कम लोग हैं जो किसी ना किसी तरीके से अल्लाह सुबहान तला को याद कर रहे होंगे और ये हमारी खुशकस्मती है कि अल्लाह ने हमें तोफीक दी कि हम इस महफिल का दोबारा हिस्सा बने अलहमदुल्ला हमने बड़े खूबसूरत पिछली नशस्त ली और बहुत अच्छे तरीके से देखा कैसे आप सल्लल्लाहु वसल्लम ने के बीच में उमरा को बादशाहों को खतूत लिखे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कीमली कितनी थी और कितने बेहतरीन तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर काम को अंजाम दे देते और सबसे खूबसूरत चीज़ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हर छोटी से छोटी चीज़ और हर बड़ी से बड़ी चीज़ करने का तरीका सिखा दिया हमारी बदकिस्मती है कि हमने कभी सीरत को खोला नहीं इसीलिए हमें वो तरीके पता नहीं है लेकिन जैसे जैसे हमें तरीके वो पता चलते जा रहे हैं हमने उन चीजों को अपनी जिंदगी में ऐड करना है कोई मुझे जल्दी से ब्रीफली बता देगा कि खत लिखने का एक कॉमन तरीका आप वसल्लम ने हमें क्या सिखाया कोई भी एक बंदा वालेकुम

और फिर उसके बाद जो है ना फिर आप अपने जो भी आपने बयान लिखना आप ये भी बताइएगा पढ़े हैं उनकी जबान कैसी थी नरम थी सख्त थी आपने हर शख्स को उसके मरतबे के मुताबिक मुखातब करके बहुत ही नरम अल्फाज इस्तेमाल किया और साथ जो चीज उनमें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जहाँ से आप बात स्टार्ट कर सकते थे जैसे अगर आपने किसी यहूद को भी दावत दी है तो आपने सबसे पहले हजरत मरियम और हजरत ईसा से के आपके और मतलब जो, जो आप में चीज मुश्तरफा थी आपने उसको ज्यादा प्रेफर करता माशाल्लाह लकु होता है लिल्लाह आपके इल्म में जिंदगी में हर चीज में खैर बरकत दे बहुत अच्छे तरीके से

يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علم. اللهم فكهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متكبلا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم

मैं ये झंडा इस शख्स को दूंगा जो अल्लाह और इसके रसूल से मोहब्बत करता है अल्लाह इसके हाथ पर फते अता फरमाएगा उमर रजी अल्लाह अन्हो ने कहा इस एक दिन के अलावा मैंने कभी अमारत की तमन्ना नहीं की उन्होंने मज़ीद कहा मैंने इस उम्मीद से कि मुझे इसके लिए बुलाया जाएगा, अपनी गर्दन ऊंची की ताहम रसुल्लाम ने अली बिन ताला ताला को बुलाया इनको वो झंडा दिया और फरमाया जाओ पीछे मुड़कर ना देखो यहां तक के अल्लाह तुम्हें फतेह अता करते उन्होंने कहा अली रजीला अनहो कुछ दूर गए फिर ठहर गए पीछे मुड़कर नहीं देखा और बुलंद आवाज से पुकार कर कहा अल्लाह के रसूल मैं किस बात पे लोगों से जंग करूं बहुत गौर से सुनिएगा आप वसल्लम ने फरमाया इनसे लड़ो यहाँ तक कि वो इस बात की गवाही दे कि अल्लाह ताला के सिवा कोई मबूदे बरहक नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है अगर उन्होंने ऐसा कर लिया तो उन्होंने अपनी जाने और अपने माल तुमसे महफूज कर लिए सिवाय किसी हक के बदले और इनका हिसाब अल्लाह पर होगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक हदीस इतने ज्यादा जैम के पॉइंट्स लिए हुए होती है कि क्या ही कहने और इस बात की दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आखिरी नबी थे कभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात के लिए किसी से बदला नहीं लिया ये तो हम बार बार सरत पढ़ते हुए देख रहे हैं लेकिन जब भी इस्लाम की बात आई अल्लाह की बात आई रसूल की बात आई इस्लाम की शरीयत की बात आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजबूत दीवार की तरह खड़े हो गए हमारे लिए अमल की बहुत बड़ी बात है हमने मुसलमानों के लिए और तमाम इंसानियत के लिए नफामंद बनना है आसानियाँ पहुंचाने वाला बनना है अपने ऊपर कोई बात है कोई बात नहीं हम इंसान है हमारे से अक्सर में भी बहुत गलतियां हो जाती हैं। तो उस बातों को दरगुजर करें लेकिन जब भी अल्लाह की बात आए रसूल सल वसलम की बात आए दीन पे बात आए तो ऐसे मजबूत खड़े हो जाए कि आपसे मजबूत कोई नहीं दूसरी बात कभी भी किसी किसी गैर मुस्लिम, अहले किताब से नफरत मत करिए आप वाले ने हमें ये नहीं सिखाया आप अलैहि वसल्लम ने तो हमें तमाम इंसानों की इज्जत करना उनकी इज्जतों को महफूज रखना और उनकी किताब की रिस्पेक्ट करना सिखाया है हम जज्बाती या किसी भी के भड़काने में आके बहुत से गलत अल्फाज और बहुत सी गलत हरकत कर देते हैं हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती कैसे हो सकते हैं फिर अगर हम हकीकता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं तब तो हमें सबको म्यूचुअल रिस्पेक्ट देनी होगी एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस हदीस से मैंने सीखा कि हज़रत उमर रजी चाहते थे कि ये झंडा खैबर का झंडा उनके हाथ में आए लेकिन उनके हाथ में नहीं आया बल्कि किसके हाथ में आया हजरत अली रजी को दिया गया लेकिन उनमें किसी किस्म की जेलसी नहीं थी कि मुझे नहीं मिला या उन्होंने आप सल्लाम से कोई बहस नहीं की कोई नहीं तो 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 में हमने ये भी देखा कि अल्लाह सुबहान डिफरेंट मौकों पर डिफरेंट लोगों को चुन के प्रोमिनंट फोर फ्रंट पे लेकर आए हैं अल्लाह की फैसलों पे राजी रही हो सकता है आप जो चाह रहे हो आपको ना मिल रहा हो लेकिन उसमें अल्लाह ताला की मसलहत होगी मुहर्रम सात हिजरी हुदैबिया के सुलह में ये बात तय हुई थी कि दस साल जंग बंद रहेगी इसकी बदौलत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जज़ीरतुल अर्ब में अपने सबसे बड़े दुश्मन कुरैश से मुतमईन होकर मकर वगा और बदैदी और गिरोहों को भड़काने के लिहाज से सबसे गंदे दुश्मन यहूद से हिसाब चुकाने के लिए फारग हो चुके थे यहूद खैबर और इसके शुमाल में आबाद थे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहूद कहाँ पे रहते थे वो खैबर उसके शुमाल में रहते थे नबी वसल्लम इनकी तरफ निकलने की तैयारी फरमा रहे थे कि एक हादसा पेश आ गया

चरवाहे को कत्ल करके सारे ऊंट हाँक ले गया हजरत सलमा रजीला तु ने अपना घोड़ा रबा को दिया और वो जल्दी से मदीना जाकर हादसे की इतला दें और खुद एक टीले पर खड़े होकर मदीने की तरफ चेहरा किया और तीन बार नहायत बुलंद आवाज से पुकारा या सबाह या सबाह हाय सबाह का हमला हाय सुबह का हमला फिर हमला आवरों के पीछे चल निकले और तीर बरसा रहे थे और ये रिज्स पढ़ रहे थे ये ले मैं अकवा का बेटा हूँ और आज का दिन कमीने की हलाकत का दिन है वो मुसलसल तीर बरसाते और जख्मी करते रहते जब दुश्मन का कोई सवार पलट कर आता तो वो किसी दरख्त की ओट में बैठ जाते और तीर मारते फिर दुश्मन पहाड़ के एक तंग रास्ते में दाखिल हुए तो ये पहाड़ के ऊपर चढ़ गए और इस पर पत्थर लुढ़काने लगे यूं इसका पीछा किए रखा यहाँ तक कि इसने सारे ऊंट छोड़ दिए लेकिन हजरत सलमा रजी अल्लाह ताला तला ने फिर भी इसका पीछा किए रखा और इनको तीर मारते रहे यहाँ तक बोझ कम करने के लिए इसने तीस चादरें और तीस फेंक दिए हजरत सलमा रजी अल्लाह ताला तहो इन पर बतौर निशान थोड़े थोड़े पत्थर डालते गए ताकि इन्हें पहचान लें फिर वो लोग घाटी के एक तंग मोड़ पर बैठ गए हजरत सलमा रजी अल्लाह ताला तहो भी एक चोटी पर जा बैठे ये देखकर इनके चार आदमी चढ़ कर हजरत सलमा ताला तहो की तरफ आए हजरत सलमा रजी तहो ने कहा तुम जानते हो मैं कौन हूँ मैं सलमा बिन अक्वा हूँ तुम में से जिस किसी को दौड़ाऊंगा बेधड़क पा लूंगा और जो कोई मुझे दौड़ाएगा हरगिज ना पा सकेगा ये सुनकर वो सब वापस चले गए ये है मुसलमान की शान मुसलमान डरता नहीं है बल्कि डराता है उन्होंने उनका ये कहना ही काफी था कि मैं जिसको पाऊंगा उसे दौड़ाऊंगा लेकिन अगर तुम तो मेरे पीछे मुझे दौड़ाओगे लेकिन मुझे हरगिज पा ना सकोगे और ये सुन के ही वो सब वापस चले गए कुछ देर बाद हजरत सलमा रजी तहो ने रसुल्लम के सवारों को देखा कि वो दरख्तों के दरमियान से चले आ रहे थे आगे अकरम थे फिर अबू कतादा फिर मिगदार रजील तहो हजरत अखरम और अब्दुल रहमान में टक्कर हुई अखरम ने अब्दुल रहमान के घोड़े को जख्मी किया लेकिन अब्दुल रहमान ने उन्हें नेज़ा मारकर कत्ल कर दिया और इनके घोड़े पर पलट आया मगर इतने में हजरत अबू कताद रजिए अब्दुल रहमान के सर पर जा पहुंचे और इसे नेजा मारकर कतल कर दिया दुश्मन के बाकी आदमी भाग खड़े हुए और इन्हें इन सवारों ने जा गुदेड़ा हजरत सलमान रजियाल्ला तला भी इनके साथ पैदल दौड़ रहे थे सूरज डूबने से कुछ पहले दुश्मन एक घाटी में पहुंचा जिसमे एक चश्मा था दुश्मन प्यासा था और पानी पीना चाहता था लेकिन हजरत सलमान रजी अल्लाह तलाो ने तीर मारकर इसे परे रखा रसूल सल वसलम और सवार साहबा दिन डूबने के बाद हजरत सलमान रजी तलाो के पास पहुंचे उन्होंने कहा या रसूल ये सब प्यासे थे अगर आप मुझे सौ आदमी दे दें तो मैं इनकी जानो समेत इनकी गर्दनें पकड़ लाऊं। यानी अब ये थक चुके हैं अब ये प्यासे हैं इनको मैं बहुत आसानी से कैप्चर करके ले आऊंगा आप वसल्लम की क्या ही बात थी आप वसल्लम ने फरमाया अकवा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अकवा के साहबजादे तुम काबू पा गए अब नरमी बरतो अल्लाह अकबर कबीरा आप सलम इतने नरम थे कि अगर तुम काबू पा गए हो तो जुल्म पे मत आओ आप तुम नरमी बरतो हमारे लिए अमल का बहुत खूबसूरत मोती है जिंदगी में आप स्टाउन चलते रहेंगे और एक मौके पे हो सकता है कि आप में ताकत ना हो या आप उस लेवल पे ना हो कि आप कुछ कर सकते हो लेकिन जब आप उस लेवल पे आ जाए कि आपके हाथ में ताकत आ जाए तब लोगों से नरमी इख्तियार करें मैं उस उसका बदला लूंगी नहीं जैसे आप वाले वाले ने, ने फरमाया इस वक्त बनु वान में इनकी मेहमान नवाजी की जा रही है इस कस्बे में आप सलम ने सलमा बिन अकवा को रजी अल्लाह तहो को पैदल और सवार दोनों के हिस्से दिए और गजबा उठनी पर इन्हें अपने पीछे बिठाया और फरमाया आज हमारे बेहतरीन सवार अबू कतादा और बेहतरीन पयादा सलमा हैं। ये गजबा आप वसलम की खैबर से सिर्फ तीन रोज पहले पेश आया इस के दौरान में आपने मदीने का इंतजाम हजरत इबन उमतुम रजियाला तु को सौंपा यह होमवर्क है आप लोगों का कि आपने ये लिखना है

हर बंदे को जो उस मौके का हाईलाइट होता था या जो बेहतरीन परफॉर्म करता था या कोशिश भी करता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम ले लेके उनके हौसले बढ़ाते थे एक लीडर के लिए एक किसी भी टॉप पोस्ट पे होने वाले बंदे के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने साथियों का बहुत ख्याल रखे और उनकी हौसला अफजाई करता रहे मुहर्रम साथ जी में अलैहि वसल्लम ने खैबर का कसर फरमाया इस मौके पर इन लोगों ने भी इजाजत चाही जो हुदेबिया में पीछे रह गए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया मेरे साथ वही आदमी रवाना हो जिसे जहाद की ख्वाहिश है रहा गनीमत तो इसमें से कुछ ना मिलेगा एक बात बड़ी क्लियर समझ लें कि खैबर में कौन रहते थे जूस यहूद और वो बहुत अमीर थे अब जो लोग पहले नहीं गए सुलह में अब लोगों को पता था कि मुसलमान वहां जाएंगे और उनको नजर आ रहा था कि वो गलबा पा जाएंगे तो उन्होंने कहा कि हम लोग जाएंगे लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि बहुत से लोग सिर्फ माल के लिए जाना चाह रहे हैं इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही ऐलान कर दिया कि मेरे साथ वही आदमी रवाना हो जिसे जहाद की ख्वाहिश है रहा माल गनीमत तो इसमें से कुछ भी ना मिलेगा अब क्या होना था क्या सब लोग चले गए होंगे बिल्कुल भी नहीं मुनाफिक जो है वो माल और दौलत ही चाहता है नतीजा ये हुआ कि रिजवान रिदा सौ अफराद के सिवा कोई ना निकला रियलिटी थी की कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियरली कह दिया कि जंग के लिए जाना है तो जरूर जाइए लेकिन माल कोई नहीं मिलेगा प्रिविलेज कोई नहीं मिलेगा तो कोई भी ना गया आज भी ऐसा नहीं होता कि अगर हम किसी भी चीज को ज्वाइन करते हैं तो हम चाहते हैं हमें बड़ा प्रोमिनेंटली ना एक हमारा नाम पुकारा जाए या हमें कोई बहुत रिस्पेक्ट दी जाए और जहां पे नहीं दी जाएगी वहां से हम चले जाएंगे याद रखिए आम जिंदगी में भी अपने घर की जिंदगी में अपनी फैमिली की जिंदगी में भी और किसी अगर आप इंस्टीट्यूट का भी हिस्सा है हर काम हमने किसके लिए करना है नीयतों को बहुत क्लियर करें हर काम मैंने करना है सिर्फ अल्लाह के लिए जब हमारी नीयतें स्ट्रेट होंगी और खालिश होंगी ना फिर हमें किसी का क्रेडिट नहीं चाहिए हमें किसी की तारीफ नहीं चाहिए हमें किसी की कोई हौसला अफजाई नहीं चाहिए क्योंकि जो मुसलमान होता है उसकी नज़र तो आखिरत पे होती है अगर हमें दुनिया में नजर डाली तो हो सकता है अल्लाह हमें दुनिया दे दे लेकिन आखरत में हमारे हाथ कुछ ना आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान के बाद नतीजा ये हुआ कि बेतर रिजवान वाले चौदह सौ अफराद के सिवा कोई ना निकला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने का इंतजाम सबा बिन अरफा वफ़ारी रज तक सौंपा फिर खैबर जाने वाले मारूफ कारवानी रास्ते पर चल पड़े तकरीबन आधा रास्ता तय कर लेने के बाद आपने एक दूसरा रास्ता मुंतखब फरमाया जो मूक शाम की जानिब से खैबर पहुंचता था मकसद ये था कि इस तरह यहूदियों के मूक शाम भागने का रास्ता बंद कर दें बार-बार हम पढ़े हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्ट्रेटजीज बहुत स्ट्रांग होती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि आखिरी नबी थे उम्मी थे लेकिन बहुत ज्यादा अटेंटिव और बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे और बहुत वाइजली अपने लेते थे आपने आखिरी रात खैबर के करीब गुजारी मगर यहूद बेख़बर रहे फिर सुबह फजर की नमाज अंधेरे में पढ़ी और सवार होकर खैबर की आबादी का रुख किया उधर यहूद बेखबरी में अपने पावड़े और टोकरिया वगैरह लेकर अपनी जमीनों में निकले तो अचानक लश्कर देखकर चीखते हुए भागे मोहम्मद अलैहि वसल्लम लश्कर समेत आ गए हैं नबी वसल्लम ने फरमाया अकबर तबाह हुआ जब हम किसी कौम के मैदान में उतर पड़ते हैं तो डराए हुए लोगों की सुबह बुरी हो जाती है इसका क्या मतलब है कि जो डर जाता है ना बेसिकली वो उसी वक्त आधी जंग हार जाता है जिंदगी भी मुख्तलिफ मराहल में हम भी डर जाते हैं कभी अपने बच्चों से डर जाते हैं कभी अपने हस्बैंड से डर जाते हैं, कभी रिश्तेदारों से डर जाते हैं कभी इर्द गिर्द के लोगों से डर जाते हैं हो सकता है प्रेशर में डर जाते हैं आधा हौसला तो हम उसी वक्त छोड़ देते हैं लेकिन जो डरेगा नहीं हौसले को कायम रखेगा वो कभी नहीं हारेगा दूसरी ये बात लिख लीजिए कि खैबर में जो यहूद थे वो बेसिकली का एग्रीकल्चर का काम करते थे फार्मर थे और वहां पे बहुत हरियाली थी वहां पे बहुत खजूरें होती थी और वाफिर मकदार में वहां पे गजा थी तो सुबह सुबह उठ के जमीनों की तरफ जा रहे थे क्यों ताकि वो खेती बाड़ी कर सकें आप वाली वाली वसल्लम को देखा और उसी वक्त डर गए खैबर मदीना से वन सेवेंटी वन किलोमीटर शुमाल में है इस वक्त इसकी आबादी तीन हिस्सों में बटी हुई थी खैबर को तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया था एक नतात, दूसरे कुतैबा तीसरे शक खैबर को तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया था पहले हिस्से का नाम है नतात दूसरे हिस्से का नाम है कुतैबा तीसरे हिस्से का नाम है शक अब ये जो हिस्से हैं मेन इनके आगे से सब डिविजन थी मतलब इनको आगे और डिवाइड किया था इजी वर्ड्स में बताऊं तो ये समझेंगे जैसे पाकिस्तान एक मुल्क है तो इसके प्रोविंसेस है ना फिर प्रोविंसेस के आगे डिफरेंट सिटीज डिवाइड है इसी तरह खैबर मेन जगह है उसको तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया नतात कोतेबा और शक फिर आगे से उनकी सब डिविजन की गई नतात के में तीन किले थे यानी तीन मेजर पॉइंट थे नतात में तीन किले थे हिजम कहते हैं किले को हिसन नाइम इसने बिन नवाज़ इसने जुबैर, शक में दो किले थे इसने उबी और इसने नजार कुतैबा में तीन किले थे इसने कमूस, इसने वती इसने सलाले। नतात की फतह अब मुसलमानों ने स्टेप बाय स्टेप तीनों पे कैसे अटैक किया और क्या हुआ सबसे पहले अटैक हुआ था नतात रसूल ने नतात के किलों के मशरक में तीरों की पहुंच से दूर पराव पर डाला और उसने नायम के मुहासरे से जंग का आगाज किया ये बहुत महफूज बुलंद और मुश्किल चढ़ाई वाला किला था और यहूद की पहली दिफाई लाइन की हैसियत रखता था यहूद की पहली दिफाई लाइन की हैसियत नतात रखता था कहा जाता है कि चंद रोज फ्री कैन में तीरंदाजी हुई फिर रसूल सलम ने फतेह की बिशारत देते हुए फरमाया कल मैं झंडा ऐसे शख्स को दूंगा जो अल्लाह और इसके रसूल से मोहब्बत रखता है और जिससे अल्लाह और इसका रसूल मोहब्बत करते हैं कितनी बड़ी बात ये सेंटेंस पढ़ते हुए ना और सुनते हुए मैं जानती हूँ हम सबका दिल दिलचार होगा काश हम भी ऐसे लोगों में शामिल हो जाएं कि अल्लाह और उसका रसूल हमसे मोहब्बत करे उसके लिए हमें बहुत सी कुर्बानियां पड़ेंगी बहुत सी चेंजेस करने पड़ेंगे और अल्लाह की राह पे चलना पड़ेगा कि झंडा इसे दिया जाए सुबह हुई तो आप सल्लाम ने फरमायाली कहाँ है सहाबा ने कहा इनकी आंख दुख रही है आप वसल्लम ने उन्हें बुला भेजा वो लाए गए आपने इनकी आंखों में लबद ध्यान लगाया और दुआ फरमाई वो इस तरह शिफायाब हो गए गोया उन्हें कोई तकलीफ थी ही नहीं फिर इन्हें झंडा दिया और फरमाया जंग से पहले उन्हें इस्लाम की दावत दो अल्लाह ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी जंग को प्रमोट नहीं करते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा उनसे लड़ते थे जो लड़ना चाहते थे उधर यहूद ने अपनी औरतें और बच्चे शक के किले में मुंतकिल कर दिए थे इस सुबह तय किया कि खुले मैदान में जंग करेंगे चुनाचे हज़रत अली ताला अन्हों उनके पास तो इन्हें जंग के लिए बिल्कुल तैयार पाया आपने उन्हें इस्लाम की दावत दी उन्होंने साफ इनकार कर दिया और मरहब ने अपनी तिलवार लेकर नाज और तकबर से उठा उठलाते हुए दावत मुबाजरत दी वो कहता था जो मरहब था ये ऐसा इंसान था जो बहुत फेमस था कि ये बहुत बहादुर है और ये बहुत लोगों को मार देता है आप देखिएगा कि जितने लोगों ने इस्लाम एक्सेप्ट नहीं किया उनमें एक चीज बहुत कॉमन थी और वो था तकबर मरहब ने अपनी तलवार लेकर और तकबुर से इठलाते हुए कहा खैबर जानता है मैं मरहब हूं ये सेंटेंस जरा सुनिएगा खैबर जानता है कि मैं मरहब हूं ये सेंटेंस बहुत कॉमन नहीं लग रहा हम नहीं कहते आप नहीं जानते हम कौन है ये सेंटेंस में भी कितना तकबर है खैबर जानता है कि मैं मरहब हूँ हथियार पोश बहादुर और तजर्बाकार जब जंग और पेकार शुलाजन हूँ इसके मुकाबल हजरत आमिर बिन अकवा नमूदार हुए वो कह रहे थे खैबर जानता है मैं आमिर हूँ हथियार पोश शाहजोर और जांगजू, फिर दोनों ने एक दूसरे पर वार किया मरहब की तलवार हजरत आमिर के ढाल में फंस गई और हजरत आमिर ने चाहा कि अपनी तलवार से यहूदी की पंडली काट दे मगर इनकी तलवार छोटी थी इसकी पंडली तक पहुंचने के बजाय पलटकर हजरत आमिर के घुटने में आ लगी और बाद में वो इसी चोट से इंतकाल कर गए नबी वसल्लम ने इनके मुतलक फरमाया इनके लिए दुगना अजर है वो बड़े जहां मुजाहिद थे कम ही इन जैसा कोई अरब रुए जमीन पर चला होगा अल्लाह हो कैसे सहाबाक थे जिनकी तारीफ आप बजाते कर रहे हैं। लेकिन उन इस तारीफ के लायक बनने के लिए उन्होंने इस्लाम का साथ दिया डट के दुश्मन का मुकाबला किया अब मरहब के मदे मुकाबल हजरत अली रजिया तला निकले वो ये रज कह रहे थे मैं वो शख्स हूँ माँ ने मेरा नाम हैदर शेर रखा है जंगल के शेर की तरह खौफनाक मैं उन्हें के सर पर ऐसी तलवार मारी कि वही ढेर हो गया फिर मरहब के भाई यासिन ने निकल कर दावत मुबाजरत दी इसके मुकाबल इसके मुकाबल जुबैर बिन अवाम रजी तमोदार हुए और इसे इसके भाई के पास पहुंचा दिया इसके बाद गुमसान का रन पड़ा और कई यहूदी मारे गए जिससे इनके हौसले टूट गए और वो अपने मोर्चे छोड़कर भाग निकले मुसलमानों ने इनका पीछा किया और किले में दाखिल हो गए यहूद ने भाग कर इससे मुतसिल मोर्चा बंदी की मुसलमानों को उसने नाय में बहुत सा गला खजूर और हथियार हाथ इसके बाद मुसलमानों ने हजरत हबाब हबाजर की मुहासरा कर लिया यह मुहासरा जारी रहा तीसरे रोज रसूल वसल्लम ने फतेह और गनीमत की दुआ की फिर मुसलमानों को हमले की दावत दी मुसलमानों ने शिद्दत से हमला किया जंग व मुबाजरत पेश आई और गुमसान का रंग पड़ा जो यहूद की शिकस्त पर खत्म हुआ और मुसलमानों ने सूरज डूबने से पहले किला फतह कर लिया यहाँ गनीमत में बहुत सा गल्ला हाथ आया इस किले में सबसे ज्यादा खुराक और चर्बी थी और ये मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा कारामत किला था मुसलमान इससे पहले सख्त भूख का शिकार थे अल्लाह अकबर ये देखिए कितनी सख्त भूख थी फिर भी तीन रोज एक जगह मुहासरा किया उससे पहले लड़के आए और उससे पहले भी ग़ज़वा जो जो हमने पढ़ा वो भी तीन दिन पहले हुआ क्या चीज़ थी मुसलमानों को इतनी ताकत दे रही थी भूखे थे थके हुए भी डेफिनेटली होंगे गजबे में तो बंदा अलर्ट रहता है और उसके बाद कंटिन्यूसली लड़ रहे हैं ये था अल्लाह पे ईमान इस्लाम को आगे पहुंचाने का जुनून यहाँ गनीमत में बहुत हाथ आया इस किले में सबसे ज्यादा खुराक और चर्बी थी और यह मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा कार आमद किला था मुसलमान इससे पहले सख्त भूख का शिकार थे चुनाचे बहुत से लोगों ने गधे जबा कर दिए लेकिन रसूल सल वसलम ने इनका गोश्त खाने से मना कर दिया गधे का गोश्त नहीं खाना चाहिए हराम है चुनाचे आप सल्लाम के हुक्म से हांडियां जो आग पर चढ़ी थी और जिनमें ये गोश्त पक रहा था उलट दी गई चलें जी आपको एक दलील भी मिल गई है कि क्या गधे का गोश्त खाया जा सकता है तो जी नहीं गधे का गोश्त नहीं खाया जा सकता और इसकी दलील आप किसी को भी ये दे सकते हैं यहूद ने यहाँ से भाग कर कला तोर में पना ली और वहां किला बंद हो गए ये नीसरा और आखिरी किला था मुसलमानों ने आगे बढ़कर इसका भी मुहासरा कर लिया चौथे दिन एक यहूदी ने आकर पानी की बाज नालियों की निशानदेही कर दी, जिससे यहूद पानी लिया करते थे चुनाचे मुसलमानों ने ये नालियां काट दी इस पर यहूद ने बाहर निकलकर सख्त लड़ाई की लेकिन शिकस्त खाकर शक की जाने पसपा हो गए और हसने अबई में किला बंदी इख्तियार कर ली शक की फतेह मुसलमानों ने पीछा करके वहां भी इनका मुहासरा कर लिया चुनाचे वो नहायत सख्त लड़ाई के लिए तैयार होकर निकले इनके एक बहादुर ने निकल कर दावत मुबाजरत दी और मारा गया फिर दूसरा निकला वो भी मारा गया, इसरे हजरत अबू दजाना समाग़ बिन खरशा अंसारी रजियाला ने कत्ल किया और इसे कत्ल करते ही वो तेजी से किले में घुसे और इनके साथ ही मुसलमान भी घुस गए कुछ देर किले के अंदर लड़ाई हुई फिर यहूद ने राह फरात इख्तियार और इस इलाके के दूसरे और आखिरी उसने नजार में किला बंद हो गए मुसलमानों को उसने अभी में बहुत सा सामान भेड़ बकरियां और गला हाथ आया इसके बाद मुसलमानों ने आगे बढ़कर हिसने नजार का मुहासरा कर लिया मगर ये पहाड़ की चोटी पर था जहां पहुंचने की कोई सबील ना थी यानी कोई रास्ता ना था और यहाँ यहूद ने अपनी हिफाजत का बड़ा सख्त इंतजाम किया था उन्हें यकीन था कि इसमें मुसलमान दाखिल नहीं हो सकते इसलिए इसमें औरतों और बच्चों समेत क्याम किया तीर और पत्थर बरसा बरसा कर सख्त जवाबी कार्रवाई की जवाब में मुसलमानों ने मुंजनिक नस्ब किया जिसने इनके दिलों पर रोब छा दिया छा गया और वो कोई काबले जिक्र सख्ती झेले बगैर कुतैबा के इलाके की तरफ भाग निकले मुसलमानों ने इस किले में तांबे और मिट्टी के बर्तन पाए रसूल ने फरमाया इन्हें धो लो और इनमें पकाओ अगर आपको कुफार का या किसी भी गैर मुस्लिम का कोई बर्तन मिलता है तो ये इस बात की दलील है कि अगर उसमें कोई ऐसी नजासत नहीं है जो कि बहुत ही गंदी हो तो आप उस बर्तन को धो के इस्तेमाल कर सकते हैं कुतैबा की फतः इसके बाद मुसलमान किला कमूस की तरफ बढ़े ये कुतैबा का पहला किला था चौदह दिन या बीस दिन तक का इसका मुहासरा जारी रखा इसके बाद कहा जाता है कि यहूद ने पनाह तलब की अब क्या था कि यहूद ने कहा कि जी आप हमें पनाह दे दे अब हम और नहीं लड़ सकते और कहा जाता है कि मुसलमानों ने बजोरे ताकत किला फता कर लिया कुछ में पता चलता है कि उन्होंने पनाह तलब कर लिया यानी सरेंडर कर लिया और कहीं जगह पता चलता है कि मुसलमानों ने जोर से अपने जोर से ये किला फतेह कर लिया और यहूद बाकी दो किले वती और सलालिम की तरफ भागे लेकिन जब मुसलमानों ने इनके मुहासरे के लिए पेश कदमी की तो यहूद ने इस शर्त पर ईमान तलब कर ली कि वो औरतों और बच्चों समेत खैबर की सरजमीन से जिला वतन हो जाएंगे सरेंडर कर रहे हैं कह रहे हैं हमें आप छोड़ दें हम औरतों और बच्चों को लेकर हमें जमीन से चले जाएंगे आप वसल्लम ने यह शर्त मंजूर फरमाई और ये भी इजाजत दे दी के सोने चांदी घोड़े और हथियार के अलावा वो अपनी सवारियों पर जो कुछ और जितना कुछ लाद सकते हैं ले जाएं अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने नरम दिल उन्होंने कहा अपनी सवारियों पे चंद चीजों के अलावा जितना लाद सकते हो ले जाए हम लोग कैसे इतने साख दिल हो जाते हैं ये तो वो मामला है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों के साथ कर रहे हैं हम तो अपने मुसलमानों के साथ इतने सख्त हो जाते हैं कि इसको मैं कुछ नहीं दूंगी इसको मैं खाने के लिए नहीं पूछूंगी इसको मैं ये नहीं करूंगी या ये मतलब तो हम किस तरीके से अपने आप को जस्टिफाई करेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हम नहीं कर सकेंगे अपने आप को हमें तब्दील करना पड़ेगा अपने आप को हमें नरम करना पड़ेगा और मुसलमानों के साथ तो हमें बहुत नरमी का रवैया आज से एक बात दिल में ठान ले ये मेरे लिए भी है और आपके लिए भी सबसे पहले मेरे लिए कि मैं सबके साथ नरमी का बर्ताव करूं और इस बर्ताव के लिए सिर्फ एक चीज आपको मोटिवेट करेगी और वो ये है कि सबने अपनी कब्रों में जाना है और सबने अपने हिसाब खुद देने हैं मैं मुसलमान हूँ मैं उमत मोहम्मदिया हूँ कैसे हो सकता है मैं सख्ती का रवैया करूँ जब हमें इस्लाम रवैया इख्तियार करने की इजाजत नहीं देता तो अपने मुसलमानों के साथ में कैसे सख्त रवैया इख्तियार कर सकती हूँ मुसलमानों को एक सौ जरहे चार सौ तलवारें एक हजार नेजे और 500 सौ अरबी कमाने हाथ आई तो रात के कुछ सहीफे तो रात ही कुछ सहीफे भी मिले लेकिन ये मांगने वालों को वापस कर दिए गए आज कल बहुत कॉमनली ये हो रहा है कि कुरान पाक के कुछ नुस्खे जलाए जा रहे हैं और उनकी वीडियोस वायरल हो जाती हैं आप ये देखिए तो रात के नुस्खे मिले उन्हें क्या किया गया जब उन्होंने तलब किए तो क्या उन्हें फाड़ दिया क्या क्या उन्हें जईफ कर दिया गया या उनके साथ बुरा सलूक सा किया गया नहीं उन्होंने मांगे उन्होंने उन्हें वापस कर हमने अमल करने वाला मुसलमान बनना है कुरान को हमारे दिलों में होना चाहिए अगर कोई गैर मुस्लिम ऐसी कोई हरकत कर भी रहा है हमें क्या रिस्पॉन्ड देना है हमें उल्टा उनकी किताबें पढ़नी चाहिए नहीं क्योंकि ये मुसलमान की रविश नहीं हो सकती कि नाना बिन अबुल हकीक और इसके भाई ने बद एहदी की और बहुत सा सोना चांदी चाहवार छुपा दिए लिहाजा इनसे जिम्मा खत्म हो गया और बद एहदी की सजा में इन दोनों को कत्ल कर दिया गया इस्लाम लीनियन होता है नरम होता है लेकिन जब कोई अहद खिलाफी करता है तो सजा भी मिलती है तो साहबजादी हजरत सफिया के नाना के निकाह में थी उन्हें कैदियों में शामिल कर लिया गया के मक, इस यहूदी मारे गए और तादाद पंद्रह या सोलह या अठारह थी हजरत उमर बिन उमैया जुमरी रजीला जो नजाशी के पास रसूल सलम के खत लेकर गए थे जब वो ने हबशा को साथ लेकर वापस हुए तो इनमें से एक जमात ने खैबर का रुख किया, जिसमें बिन के पास पहुंचे तो खैबर फतह हो चुका था और अभी माले गनीमत तकसीम नहीं हुआ था नबी वसल्लम ने जाफिर रजील तनो को बोसा दिया और फरमाया मैं नहीं जानता कि मुझे किस बात की ज्यादा खुशी है खैबर की फतेह की या जाफिर की आमद की अल्लाह अकबर जो सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के इतने करीब हो जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भरोसा दिया हो उनकी क्या शान होगी और हमें उनकी कितनी इज्जत करनी चाहिए और जब माले खैबर तकसीम फरमाया तो उन्हें भी माले गनीमत में हिस्सा दिया बाकी महाजरीन हबशा से बच्चों और औरतों समेत सीधे मदीना तशरीफ ले गए पता खैबर के बाद आप सल्लल्लाहु सल्ह वसलम की खिदमत में अबू हुरैर ताला तह भी हाजिर हुए वो आपके खैबर रवाना होने के बाद मदीना आकर मुसलमान हुए थे फिर इजाज़त लेकर खैबर रवाना हो गए थे रसूल सल्लम ने इन्हें भी खैबर की गनीमत में से हिस्सा दिया फतेह खैबर के बाद आप वसल्लम की ख़िदमत में हजरत आबान बिन सईद भी हाजिर हुए वो एक लेकर नज तशरीफ ले, ले गए थे और अपनी मौहं, मौहं पूरी करके खैबर आ गए थे रसूल वसल्लम ने खैबर के माल गनीमत में इनका और इनके साथियों का हिस्सा न रखा खैबर की तकसीम अब खैबर में जितना माल और दौलत मिला उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे तकसीम किया जब यहूद ने हासिल कर ली तो जिला वतनी से पहले एक नई तजवीज पेश की यहूदियों ने पहले क्या किया था कि हमें ईमान दे दें हम अपने बच्चों को और औरतों को लेकर हम जिला वतन हो जाएंगे यानी खैबर छोड़ जाएंगे जब उनको ईमान हासिल हो गया तो उन्होंने एक और तजवीज पेश की उन्होंने कहा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इसी सरजमीन में रहने दें हम इसे की देखभाल करेंगे क्योंकि हमें आप लोगों से ज्यादा इसकी मालूम है और फल और गले जो पैदावार होगा इसका आधा आप हमें दे दिया करेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शर्त पर इसे मंजूर कर लिया कि आप जब चाहेंगे इन्हें खैबर से जिला वतन कर देंगे चुनाचे इस शर्त पर वो मुकीम रहे और हजरत उमर रजील तहो के अहद में जब उन्होंने शर और खबासत की राय इख्तियार कर ली थी उन्हें जिला वतन कर लिया गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तजवीज दी कि हमें जमीन के बारे में ज्यादा अच्छा मालूम है अगर आप हमें इजाजत दें तो हम यहीं पर रहते हैं देखभाल करेंगे और जो भी पैदावार होगी इसका आदाब हमें देते हैं आप वसल्लम ने तजवीज मान ली लेकिन शर्त क्या रखी जब भी मैं चाहूंगा तो आपको खैबर छोड़ के जाना पड़ेगा और हजरत उमर जी तला के अहद में क्या हुआ कि जब यहूदी शर और खबासत पे आए तो उन्हें जिला वतन कर दिया गया फिर रसूल रसुल् ने खैबर को छत्तीस हिस्सों में तकसीम किया हर हिस्से एक सौ हिस्सों का मजमु था इसमें यानी अठारह हिस्से मुसलमानों की इज्तमाही जरूरियात हवािस के लिए अलग कर दी अलग कर लिए और बाकी यानी अठारह हिस्से इस तरह गाजियों में तकसीम किए के पयादा को एक हिस्सा और घोड़सवार को तीन हिस्से दिए गए एक हिस्सा इसका अपना और दो हिस्से इसके घोड़े के लिए इस गज़वे में सौ शहसवार थे इनके छे हिस्से हुए और बारह पैदल थे इनके बारह हिस्से हुए अल्लाह अकबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी किसी का हिस्सा नहीं रखते थे और कितनी खूबसूरत डिस्ट्रीब्यूशन की है सबसे पहली बात कि खैबर से एक्सट्रीम मालिक नीमत मिला खाने को खुराक भी बहुत मिली और माल को नींबत भी बहुत मिला अब इसके बाद आप सल्लाम ने उसके हिस्से किए अमल का नुकता क्या है बेहतरीन लीडर वो होता है जो पहले से ही डिवाइड कर दे और फिर उसकी सब डिविजन्स भी कर दी ताकि बाद में कोई कंप्लेन ना करे कि मुझे ये नहीं मिला या ये नहीं मिला या किसी को ज्यादा मिल गया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने वेल ऑर्गेनाइज थे हमारे लिए अमल की बात क्या है कोई भी काम हो कोई भी चीज करनी हो बेहतरीन तरीका यह है कि पहले से उसको डिवाइड कर दिया जाए। खैबर खजूर और गलों से भरा पड़ा था चुनाचे हजरत है कि जब खैबर फता हुआ तो हमने कहा अब हमें पेट भर कर खजूर मिलेगी अल्लाह अकबर और खैबर से मदीना वापस आकर महाजरीन ने इंसार को खजूरों के वो दरख्त वापस कर दिए जो अनसार ने बतौर इमदाद इन्हें दे रखे थे आज के लिए हम इतना ही करेंगे हमारी एक क्लास में एक हमारी दोस्त हैं कुत्सिया वो कुछ कहना चाह रही हैं कुत्सिया आप अपना माइक अनम्यूट कर सकती हैं आप जो शेयर करना चाह रही हैं काइंडली शेयर करें अस्सलाम वालेकुम वालेकुम ये जितने गजबात हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं और माले गनीमत की तकसीम के बारे में तो कल मैं सूरत एहज़ाब का तफसीर पढ़ रही थी ये तो उसमें हमारे जो बिल्कुल इसी पॉइंट से रिलेटेड जो मैंने पढ़ा तो मैंने कहा मैं अपनी हम जमात के साथ भी शेयर करूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी रज़ात लड़ते आ रहे हैं और माल गनीमत को बराबरी तकसीम करते आ रहे हैं जैसे बनू करीजा में जब आप सल्हुह वसम को बहुत सारा मालिक गनीमत मिला तो आपने उनको जो है वो तमाम महाजरीन में तकसीम कर दिया इस तरह इंसार के ऊपर से उनका जो बोझ था वो कम हो गया जिस तरह हर इंसार जो था वो एक महाजर की या तीन महाजर की जैसे उनकी खिदमत कर रहा था तो ने इस तरह इंसार के ऊपर से महाजरीन का बोझ जटाया और उनको रहने की जगह और उनको खाने पीने की सामान उसी तरह अभी जो अभी हमने ये गजबा पढ़ा इसमें बहुत सारा माले गनीमत मुसलमानों के हाथ आया तो आपने इसी तरह जो बाकी मुसलमान थे उनको आराम दिया और उनको इस माल गनीमत की तकसीम की तो जब आप वापस मदीना तशरीफ लाए तो हज़रत आयशा रजी आप हमारे अलैहि वसल्लम के पास आई और उन्होंने फरमाया कि या रसूल अल्लाह इतनी जैसे आप ये माल गनीमत तकसीम कर रहे हैं आपने इतने महाजरों को इतने इंसार को इतनी सहूलतें दी हैं तो क्या हमें भी ऐसा आराम नसीब होगा क्योंकि हमने इतने अरसे से पेट भरकर खाना नहीं खाया और कितने कितने दिन हमारे घर से धुआं नहीं निकलता और चक्की पीस पीस के हमारे हाथों में छाले पड़ गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात से बहुत सख्त नाराज़ हो गए और आपने मदीना के पास एक आपने खेमा लगाया और आप उसमें शिफ्ट हो गए और एक महीना तक आप किसी भी मातलमिन के घर तशरीफ़ नहीं लेकर गए जिस पर तमाम जो मुसलमान मातुलमोमिन थे उनको फ़िक्र लायक हो गई ख़ासकर हज़रत अबू बकर सदीक़ और हज़रतमर रजील्हू बहुत फ़िक्रमंद हो गए, गए। क्योंकि उनकी, उनकी बेटी हज़रत आयशा और हजरत हफ्ज जो थी वो 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 आप के निकाह में थी उनको बहुत परेशानी हुई कि हमारी वजह से हमारी बेटियों की वजह से शायद आप नाराज़ हो गए हैं आ, फिर उन दोनों ने आप सल्लम से रब्ता किया बात की तो आप सल्लम ने फरमाया कि अगर अगर मातुलम जो हैं वो रहती दुनिया तक के मोमिन औरतों के लिए मिसाल है अगर वो इस मुश्किल वक्त में आसानी मांगेंगी तो वो जो अगर आसानी चाहती हैं तो वो मेरे निकाह से बेशक फारग हो जाए उनका आखरत में कोई हिस्सा नहीं है लेकिन अगर वो मेरे साथ ये सब सख्तियाँ बर्दाश्त कर सकती हैं तो वो मेरे निकाह में रहेंगी तो इस बात इस पर तमाम ममातमन ने आप सल्ह् वसम की इस बात पर आमीन कहा और कहा कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि हमने माले गनीमत में से अपना हिस्सा मांगा तो इस बात से हमें ये सबक मिलता है कि आप सल्ला वसम जो इतनी बेहतरीन तकसीम कर रहे थे उस जंग की जिसके आप लीडर थे उन्होंने अपने लिए अपनी बीवियों के लिए अपने बत, किसी के लिए कोई इतना ख़ास चीज़ नहीं रखी ताकि रहती दुनिया तक के लिए हम ममिन मुसलमानों को औरतों को ख़ास करके ये मिसाल मिले कि जब हम अपने अपने शोरों से अपनी अपनी चीज़ों का तकाजा करते हैं और वो पूरा नहीं कर सकते तो हम कैसे मुंह बनाते हैं तो हम जो है वो नबी वम की मिसाल से मुझे ये बहुत ज्यादा पढ़ कर भी वो अपने आप पर भी बहुत ज्यादा हुआ और तजिया करने का मौका मिला कि हज़रत आयशा को उन्होंने बयान किया कि अगर आप सख्तियाँ बर्दाश्त कर सकती हैं तो आप मेरे निकाह में रहें और अगर आप मुसलमान मोमन औरतों के जो उमातुल उमतुलमन का मुक़ाम है वो आम औरतों के मुकाम से अलग है आप कभी भी ना समझें कि आप एक काम क्योंकि आपने आपको देख कर आने वाली औरतें जो हमें नहीं देखेंगी उनके लिए आपने मिसाल बनना है कि कैसे हमारी औरतें जो थीं वो मुसलमान औरतें और आपको देख कर बाकी कबीले की औरतों ने सीखना है कि कैसे नबी वसल्लम की औरतें जो हैं वो सब्र और शुक्र करती हैं तो मैंने ये कहा कि मैं ये आप, सल, आप चीज के बारे में जो है वो अपनी क्लास के साथ खायरन कसीरा बहुत खूबसूरत पॉइंट और कहते हैं कि एक, एक एक मोती उसमें साथ मिलता जाए तो खूबसूरत लड़ी मिल जाती है सीरतुलनबी का सफर ऐसा ही खूबसूरत सफर है जिसमे अल्लाहान तला ने बहुत खूबसूरत साथी आपस में पेरो दिए हैं अल्लाह सुबहान तला हमें अपने किरदार को ऐसा बनाने की तौफीक दे कि हमें सब्र आ जाए और हर चीज़ आप बड़ी से बड़ी चीज़ भी कम कर लेते हो अगर आप सब्र से उसका मुकाबला करते हो अल्लाह अल्लाहान तला हमें हर तरह की आज़माइशों से बचाए अल्लाह ताला हमसे बेहतरीन दिन का काम ले ले और अल्लाह ताला हमें सब्र और शुक्र करने वाला बनाए हम हर चीज़ को बेहतरीन तरीके से बांटने वाले बने क्योंकि हमारा असल अजर हमारी असल दौलत तो इनशाला इनशाला हमें जन्नत में ही मिलेगी और ये वो चीज़ है जो इंसान को दुनिया से गाफिल कर देती है और उसकी नज़र आखरत पे ही लग जाती है कि क्या है ये दुनिया तो कहते हैं ना मुसाफिर खाना है मैं आई हूँ मुसाफिर की तरह इस दुनिया में रहूंगी जो अल्लाह ने मेरी किस्मत में लिखा वो मुझे देगा मैं उससे अः लुफानंदोज हूँगी और जो अल्लाह ने नहीं चाह वो मुझसे ले लेगा लेकिन असल इनाम तो मेरा आखरत में ही है हम लोगों ने बीइंग लेडीज कंप्लेन नहीं करनी हर हाथ में अल्लाह का शुक्र अदा करना है ज़रूर डिमांड करें लेकिन ओवर डिमांड ना करें इतनी डिमांड्स नहीं करनी कि हमारी वजह से हमारे घर के मर्द हराम कामों करने की तरफ रागब हों या मजबूर हो जाए यकीन जानिए तीस हज़ार का जोड़ा भी जिसम को कवर करता है दो हज़ार का जोड़ा भी वही काम करता है बात सिर्फ दिमाग की है और अगर हम सबर करेंगे तो इन शाह इनशा फिरदौस में अल्लाह सुबहान तला हमें इतने खूबसूरत लिबास पहनाएगा कि वहाँ हम वहाँ पे इतने खुश होंगे और असल खुशी तो वही मैटर करती है जो नेवर एंडिंग होगी आप वाली वाली की जिंदगी बहुत मुश्किल थी परेशानियों से गजबात से अपनों की बातों से अपने की अपनों की दिल दुखाने वाली बातों से भरी पड़ी है लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिम्मत नहीं हारी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबा और मोमिनीन हर टाइम पे आप अलैहि वसल्लम के साथ खड़ी रही जो औरत होती है वो होम मेकर भी होती है और होम ब्रेकर भी होती है तो बींग लेडीज हमने अपने घरों के माहौल लोगों को बहुत अच्छा रखना है अपनी पूरी कंसंट्रेशन अपनी औलाद की तरबियत पे रखनी है अपनी तरबियत पे रखनी है जो कुछ मांगना है अल्लाह से मांगना है और यकीन जानिए अल्लाह गैब के ख़जानों से आपके आगे ला वो चीज़ें रख देगा और हर मुमकिन कोशिश करनी है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को फॉलो करें और इस नॉलेज को सिर्फ अपने तक लेटाइज ना करें बल्कि अपने प्यारों को अपने बच्चों को भी ज़रूर बताइए